हाय, मैं हूँ प्रिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला पॉपकॉर्न। मसाला पॉपकॉर्न बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-3 मिनट में ये तैयार हो जाता है। आप मेरी ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, और जैसे ही आपको पसंद आए ये वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मसाला पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधी कटोरी मकई की दानी यूज की है, और 1 टीस्पून ऑयल, आधी चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक। पैन को मैंने गैस में चढ़ा दिया है गरम करने के लिए। पैन अब गरम हो चुका है, अब मैं ये ऑयल डाल देती हूँ। और ये हल्दी और ये नमक डाल देती हूँ, और ये मकई के दाने अब इसे चला लेती हूँ। आप इसे मीडियम फ्लेम में चलाते रहे हैं। जैसे ही ये दाने फूटने लगे तो आप इसे प्लेट से ढक दें। देखिए फूटने लगा है, अब हम इसे ढक देते हैं। और फ्लेम को हम धीमा कर देंगे और इसे थोड़ा हिला देंगे। जैसे ही ये दाने फूटना बंद हो जाए तो आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें। दाने फूटने बंद हो गए, अब हम इस प्लेट को निकाल लेते हैं। ताकि स्टीम निकल जाए, आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में बनाते वक्त आप ढक्कन से रिंग और सीटी निकाल दें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।